उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। आपको बताते चले, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। बताया कि जनसंख्या का नियंत्रण बहुत जरूरी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में सभी जनपदों में आज जनसंख्या नियंत्रण समाधान फाउंडेशन जनसंख्या नियंत्रण के लिए ज्ञापन दे रही है और मांग कर रही है जनसंख्या नियंत्रण किया जाए। इस तरीके से एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ रही है, उस बच्चे पैदा हो रहे हैं, दूसरा वर्ग दो बच्चों तक ही सीमित रहे। इस संतुलन स्थिति में गृह युद्ध भी हो सकता है। आज मामला यह है कि साहब, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तहत आज पूरे देश में हम लोग जो है जो तहसील और नगर मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर DM साहब को प्रेषित करते हुए हम एक प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारी ये मांग है कि हमारे देश में जनसंख्या का विस्फोट जिस तरीके से अनियमित रूप से हो रहा है, एक वर्ग जो कि जनसंख्या बढ़ा बढ़ा के केवल एक ही उद्देश्य है उसका कि जनसंख्या बढ़ाओ और देश पे कब्जा करो, और दूसरा वर्ग देश की उन्नति में लगा है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है बच्चे पैदा करने का, वो एक या दो बच्चों पर सीमित हो गया है। तो कल को हमारे देश में गृह युद्ध ना हो जाए और इस स्थिति से निपटने के लिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी जी, पिछले 29 तारीख को उन्होंने मार्च किया था, करीब 1.5 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ प्रपत्र लेके वो PMO ऑफिस जा रहे थे, उन्हें बीच में ही पुलिस ने रोका, वहीं पर धरने पे बैठे, रात में धरने से उठा दिया पुलिस ने और एक जगह सामुदायिक केंद्र साहिबाबाद में कैद कर दिया, जहां पर वो पिछले 11 दिन से आमरण अनशन पर हैं, उनकी जान पे बनाई है। ऐसे कानून को जो कि सबके पूरे देश के हित के लिए है, मनवाने के लिए वो हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं और कान पे जू नहीं रेंग रही है सरकारों के, तो उन सरकार को जागृत करने के लिए पूरे देश में आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। वो मांग है कि इस सख्त कानून को तुरंत मनाया जाए ताकि देश में सौहार्द बना रहे लंबे स्थित है, अन्यथा जिस तरीके से खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, देश पे कब्जा करने की नियतों से हो रहा है, वो कहीं हमारे देश में भी ना हो, क्योंकि टैक्स देने वाले बच्चे पैदा नहीं कर रहे और जो भोग करने वाले हैं केवल चीज़ों को भोग करते हैं, वो मांग कर रहे हैं कि जितने सर उतनी हमारी हिस्सेदारी, कोई योगदान नहीं उनका। तो इसलिए हमारी ये पुनीत मांग है सरकारों से कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो और हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको जान देने से बचाया जाए। आज हम सभी लोग जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के नेतृत्व में देश में बढ़ती हुई आबादी जो कि एक कोढ़ का रूप ले चुकी है, उसको नियंत्रित करने के लिए हमारी जो बरसों बरस से एक मांग चली आ रही थी जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर, एक नारा हम लोग लगाते हैं, हम दो हमारे दो तो सबके दो, इस नारे को जन जन तक पहुंचाने के लिए और इस नारे के द्वारा जो हम एक विचार देना चाहते हैं, उस विचार को एक कठोर कानून के रूप में लागू करने के लिए निरंतर अपनी जो हम मांग कर रहे थे, आज तक केंद्र सरकार ने उसको लेके किसी भी तरह का कोई अपना मन नहीं बनाया है। हम चाहते हैं कि हमारी इस मांग पर केंद्र सरकार पुनर्विचार करे और एक कठोर कानून बनाए जिससे देश में विषमताओं का एक जो माहौल बना हुआ है वो माहौल ख़त्म हो और देश के अंदर एक समान रूपता आए सभी लोग, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण करना इस समय में एक अभाव की जो जिंदगी समाज जी रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या की विषमता। इसको लेकर आज सभी हम सभी लोगों ने ज्ञापन दिया है और लगातार हम लोग दिल्ली में हमारा एक धरना भी चल रहा है। हम सभी लोग मांग करते हैं कि कृपया करके इस पर गंभीर समस्या पर संज्ञान लें और तत्काल जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कठोर कानून की बनाया जाए।